देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। आपका होस्ट मुबशर नकवी आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सीरीज प्रोग्राम लेके आया है, जिसमें हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे एक सॉफ्ट स्पोकन लहजे में, जिसमें हम आपको बताएंगे एक लीनियंट वे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कामयाबी हासिल करने के लिए ना कोई लेक्चर आएगा, ना कोई एज इट इज इस तरह का कोई स्पेशल स्पीच इस तरह की जिसके आप उसको देखने में उसके आप सबूत देखें, उसमें आप उसके दलाइल देखें, नहीं, जस्ट एक छोटी सी स्टोरी जिसमें आपको कंक्लूजन मिलेगा। और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, लोग स्कॉलर्स बताते हैं जी कि वो लोग ज़्यादा कामयाब हैं जो दूसरों के तजर्बे से सीखते हैं, वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जो दूसरों की ऑब्जर्वेशन से फ़ायदा उठाकर आगे इम्प्रूव करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कामयाब होने के लिए मुसलसल जदोजहद और मुसलसल मेहनत जो है वो इंसान को कामयाब बनाती है। स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस। इससे पहले हम अपनी स्पीच स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द स्पीच। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कामयाबी हासिल करें, तो एक इस छोटे से राज को, इस छोटी सी स्पीच को जरूर सुने। मैं एक दफा दरवेश बाबा बाबा बशीर हुसैन के पास बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा सरकार कुछ अता करें। तो उन्होंने जो अता किया वो बताता हूं, लेकिन इस चीज को अगर आप कंप्लीट सुन लेंगे ना, तो याद रखें कामयाबी हासिल करने के लिए इस राज को सुन लें। उन्होंने राज बताया कामयाबी का, कामयाबी हासिल करनी है तो इस राज को सुन लें। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इस राज को सुन लें, इज्जत कमाना चाहते हैं तो इस राज को सुन लें, अगर आप चाहते हैं शोहरत हासिल करना है तो इस राज को सुन लें, अगर आप चाहते हैं कि आप पुरसकून जिंदगी गुजारें तो इस राज को सुन लें, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में हर वो चीज आपको मिले जिसके आप हकदार हैं तो इस राज को सुन लें। बाबा जी कहते हैं जी कि बेटा आज मैं तुझे एक राज की बात बताने लगा हूं। मैंने कहा सरकार अता करें। मेरा उनके साथ एक बहुत इज्जत का रिश्ता है। बाबा जी कहते हैं कि मेरे बाप ने मुझे जब मैं छोटा सा था, एज नहीं बताई, उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें जब 12 साल के हो जाओगे ना तो कामयाबी का एक राज बताऊंगा। तो ये बात बाबा जी कहते हैं मेरे बाप ने मुझे कई दफा कही कि बेटा जब आप 12 साल के हो जाओगे तो आपको एक राज की बात बताऊंगा। ये बात सुनते सुनते मेरे अंदर तजस्सुस बन गया, मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग आ गई कि जब मैंने 12 साल का होना है तो मेरे बाप ने मुझे वो राज बताना है जिसमें मैंने बस कामयाबी हासिल कर लेनी है। मैं जो जिस तरफ जाऊंगा मुझे उस राज की वजह से कामयाबी मिलेगी, जिस कदम में जिस कारोबार में कदम रखूंगा मुझे उस कारोबार में तरक्की मिलेगी, उस राज की वजह से मिलेगी। हर बाप अपने बच्चे के लिए आइडियल होता है और हर बाप की यह ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा जिंदगी में इस दुनिया में सबसे बेहतरीन बच्चा हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी कम से कम यह ख्वाहिश जरूर होती है कि मेरा बेटा इस दुनिया में इतनी इनपुट दे कि रहती दुनिया तक उसका नाम रहे। अगर यह भी ना हो सके तो बाप सिर्फ ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से कम दो हाथ आगे हो, दो कदम आगे हो। बाबा जी कहते हैं कि मेरे बाप ने कहा जी 12 साल के हो जाओगे तो आपको एक राज की बात बताऊंगा। वो दिन गिनते गिनते बाबा जी कहते हैं कि मेरी 12वीं बर्थडे आ गई, तो मैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए बाबा ने सब कुछ जो जो अपने बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो उसके बाद बाबा ने बड़े फैंटास्टिक से तरीके से ये स्पीच, मैं जो नहीं पता आप लोगों को क्या ये वर्ड अच्छे लगेंगे, लेकिन वो बाबा जी ने जो जैसे कहा वैसे ही मैंने आपको बता रहा हूँ, जैसे राज उन्होंने मुझे बताया सेम ट्रांसफर हो रहा है। बाबा जी महसूस हुए थे, सिर्फ चंद लम्हों की बात है वो राज आपके पास होगा, कामयाबी का राज।
बाबा जी कहते हैं कि बर्थडे स्टार्ट हुई, 12वीं बर्थडे थी, मैं बड़ा पुरजोश था। मेरा बाप कहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सन, हैप्पी बर्थडे टू यू। जब ये बात फिनिश हुई तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने फौरन अपने बाप से कहा, बाबा आज मैं 12 साल का हो गया हूं, आज मुझे वो राज बताएं। बाप ने कहा, बेटा केक काट लो, क्या हो गया। बहरहाल वो बाबा जी कहते हैं, मेरा इतना तजस्सुस, मेरा इतना इसरार ज्यादा था कि बाप ने वो केक काटने से पहले मुझे कहा है कि बेटा आज मैं तुम्हें वो राज की बात बताने जा रहा हूं जिससे तुम कामयाब हो जाओगे, और ये वो राज की बात है जो आपने अपने छोटे भाइयों को 12 साल से पहले नहीं बतानी। बाबा जी कहते हैं बगैर किसी तवक्कुफ के, बाबा जी कहते हैं, बेटा याद रखना, वो राज ये है कि भैंस दूध नहीं देती। बाबा जी कहते हैं, मेरा सुनना था तो बेतकयाई के साथ मैंने कहा, बाबा ये क्या बता रहे हैं मुझे, बस छोड़े मुझे राज बताएं। बाप ने फिर रिपीट किया बगैर किसी तवक्कुफ के, बाप ने कहा, बेटा बात याद रख लो, राज यही है कि भैंस दूध नहीं देती। बाप बेटे ने कहा, बेटा बाबा भैंस दूध दे या ना दे मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं, मुझे ये बताएं कि भैंस दूध दे या ना दे, मुझे ये बताएं राज क्या है जिससे मैं कामयाब होऊंगा, जिससे मुझे तमाम मेरी ख्वाहिशात, मेरा पैसा, हर चीज मिलेगी। बाबा जी कहते हैं, मैंने ये कहा तो बाप कहता है, बेटा आप गौर से सुनो, भैंस दूध नहीं देती, भैंस का दूध निकालना पड़ता है। ये बात थी तो बच्चा बड़े गौर से, बाबा जी बड़े गौर से अपने बाप को, बाप कहता है, बेटा बगैर किसी तशरीह और तज़ी के आपको साफ बता रहा हूं मैं कि बेटा जब भी कभी आपने ये नहीं सोचना कि मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिल जाएगा, मैं जो सोचूंगा मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आपने भैंस का दूध चोना होता है तो आपको सुबह सवेरे उठना पड़ता है, आपको खेतों में जाना पड़ता है, आपको भैंस को बाड़े में लाना पड़ता है, आपको भैंस का गोबर उठा के फेंकना पड़ता है, भैंस को उसके दूध चुने के लिए उसका दूध धोना पड़ता है, उसके बाद भैंस की दुम बांधनी पड़ती है, उसके बाद भैंस का दूध चोया जाता है। ये स्टेप खत्म हुए तो मैंने कहा, बाबा बस ठीक है, ये क्या बात बता दी। बाप ने फिर उसको बताया तशरी की, बाप कहता है, बेटा याद रख, अगर जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो सुबह सवेरे उठने की आदत डाल, उसके बाद जो काम करना है, जो टारगेट है तेरा, उसको प्लान कर, फिर उसके ऊपर होमवर्क करके मेहनत कर, लगन के साथ मेहनत कर, और याद रख, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, जब आपके काम का टाइम है, जब आपके को टारगेट मिल गया तो सिर्फ अपने टारगेट को टारगेट करना है। उसकी दुम जो भैंस की दुम बांधी है ना, बाप कहता है वो यही है कि आपका दूध आपको साफ मिले, दूध आपका समर है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका समर मिले तो आपने साइडों की इंटरप्शन बंद करनी है, भैंस की दुम बांधनी है, उसके बाद बाप कहता है कि आपको समर मिलेगा, आप जिंदगी में जो सोचेंगे उसके ऊपर आपको समर मिलेगा अगर आप मुसलसल मेहनत करेंगे। ओके गाइस, ये एक छोटी सी स्टोरी जिसमें बाबा जी ने हमें बताया कि ये इसका जिंदगी में कामयाब होने का तरीका है। आप भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो मुसलसल मेहनत करनी चाहिए आपको, और करनी पड़ेगी। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं अपने काम में तो आपको इंटरप्शन बंद करनी पड़ेगी, हर वो चीज जो आप लोगों को डिस्टर्ब करे, आपको आपके टारगेट से डी स्टेबलाइज करे, आपको अपने टारगेट से हटा दे, आपके काम से मदाखलत करे काम में, उस चीज से आपने बचना है। ओके गाइस, आपको ये मेरी स्टोरी, ये मेरा लेसन, मेरा ये स्पीच और बाबा जी का ये पैगाम पसंद आया तो मेरे इस पूरी वीडियो को लाइक करें, और साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट्स जो हैं वो मेरी मोटिवेशन है। तो अगली वीडियो तक अपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।